यूँ तो हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े इंसानों ने आंखों पे पट्टी बांध के बड़े बड़े कारनामे कर दिखाया है। बम्बई से सटे मुमरा में अफान, जिसकी उम्र 15 साल है, उसने भी आंखों में पट्टी बांध के ऐसे गेम दिखाया है, आप भी देख के चौंक जाएंगे। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। रूबिक्स क्यूब एक ऐसा गेम है जिसे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बहुत बहुत शौक से खेलते हैं। बहुत से लोग इसे जानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, पर आपको बता दें रूबिक्स क्यूब एक ऐसा गेम है जिसे आंखें बंद कर नहीं खेला जा सकता। पर आप हमें बताएं क्या ये गेम आंखें बंद करके खेला जा सकता है? नहीं ना। चलिए हम आपको बताते हैं कि एक ऐसा है जो इस गेम को आंखें बंद करके खेलता है। जी हाँ, उसका नाम है आफान कुट्टी। मुंबई से सटे मुमरा में रहने वाले महज 15 वर्षीय आफान कुट्टी ने खेल की दुनिया में अपना बहुत नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी उन्होंने अपना नाम दर्ज कर दिया है। और वो क्यों? वो इसी रूबिक्स क्यूब की गेम की वजह से। इतना ही नहीं, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि आफान अपनी बुद्धि के जरिए आंखों को बंद करके ना आंखों पे पट्टी बांधकर रूबिक्स क्यूब को अपने हाथों में लेकर किस तरह से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सारे अल्फाबेट्स को एक सही तरीके से ऑपरेट करते हैं या सजाते हैं या लगाते हैं। आफान कुट्टी को इस जादुमई खेल की वजह से बहुत सम्मान इज्जत मिलती है। जी हाँ, इतना ही नहीं बल्कि कई राज्यों से इन्हें यानी आफान कुट्टी को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है और बच्चों को आफान कुट्टी की खूबियाँ बताई जाती है। आपको और बता दें कि आफान कुट्टी ने सिर्फ गेम में सफलता हासिल नहीं की बल्कि वो एक अच्छे खासे वक्ता भी हैं। इस खेल में आफान कुट्टी को बढ़ावा देने के लिए उनके पिता हमेशा एक मार्गदर्शक बन के आए हैं। उनके पिता सिर्फ उनके पिता ही नहीं बल्कि उनके कोच भी है। अब देखिए उनकी मेहनत, आफान कुट्टी की मेहनत ऐसे रंग लाई कि इस गेम में उसने अपने पिता और कोच को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। आफान कुट्टी के फैमिली यानी उनके परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक आफान को इस गेम में दिलचस्पी जब हुई जब उसे मोबाइल फ़ोन की लत लग चुकी थी। घर वाले उसकी इस लत से बहुत परेशान थे मोबाइल की। सभी ने कोशिश की कि ये लत उसकी छूट जाए मगर उन्हें कहीं भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तब जाकर आफान के अब्बा उनके पिता ने उसका ध्यान रूबिक्स क्यूब की तरफ आकर्षित किया और उनके पिता की इस हरकत से या इस मेहनत से उसका नतीजा हम सबके सामने है। अपनी बुद्धि क्षमता और इस गुणों और कौशल से वो चाहते हैं कि उनकी इस काबिलियत का नाम या रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाए। देखें उसकी मेहनत कहां तक रंग आती है। 7x7 रूबिक्स क्यूब पर अल्फाबेट्स ब्लाइंड फोल्डेड बनाता हूं और उससे बड़े कि उसमें भी अल्फाबेट्स ब्लाइंड फोल्डेड बनाता हूं। और मेरा एम है मुझे गिनीज रिकॉर्ड बनाना है। मैंने ऑलरेडी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आ चुका है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आ चुका है। मेरा एम ये है कि आते पाँच साल में मेरा 25 गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड हो जाए। और आई एम ऑल्सो स्पीकर, आई एम अ टेडेक्स स्पीकर। मैं वर्ल्ड वाइड लेक्चर्स देता हूँ, स्पीचेस देता हूँ। मैंने बहुत से कॉलेज में भी लेक्चर दिए है। हमारे हिंदुस्तान में कई लोगों ने स्पोर्ट में मेडल लाया है। अगर परिवार का और दोस्तों का साथ रहा तो आफान भी वो दिन दूर नहीं गोल्ड मेडल ला सकता है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।